गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेश सीएफपीओ क्यूटी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं अभी आ रखा हूँ छुट्टी। दोस्तों आप लोगों को आज जो सीन दिखाने वाला हूँ शायद आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा या फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आप लोगों को जो सीन दिखाने वाला दोस्तों आप लोग देखे वो खुशी होगी क्योंकि मैं एक गाँव का बंदा हूँ। तो आपको दिखाने वाला हूँ गेहूँ की खेती कैसे होती, सिंचाई कैसे होती है। अभी आ रखा हूँ खेत में, सुबह सुबह टाइम है दोस्तों, और सरसों के खेत कैसे होते हैं शायद आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये है गेहूँ की खेती, साथियों देख सकते हैं ये देखिए नाला है जिससे कि हम लोग सिंचाई कर रहे हैं, इसमें गेहूँ की सिंचाई चल रही है। आपको दिखाता हूँ, आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें और देखें कि कैसे हम किसानी सिंचाई करते हैं, दिखाता हूँ। ये देखो देख सकते हैं दोस्तों पानी भरा हुआ है इसमें, और देखिए एक काई है, इसके नीचे बहुत सारी मछलियाँ हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं दोस्तों इस काई के अंदर। ये मैं अपने दोस्त के साथ आ रखा हूँ, ये हमारे दोस्त साथ ही देख सकते हैं ये काई जिसका बता रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी फिश होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिश होती हैं दोस्तों, मछलियाँ होती हैं। देखो हमारे दोस्त आ रहे हैं सर, दोस्तों देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य होता है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, देखो आ रखा हूँ खेत में, ये है खेत के गेहूँ और सरसों के पेड़ है, एक सरसों का फूल देख सकते हैं दोस्तों कितना ही प्यारा दृश्य है साथियों। जैसा कि दोस्तों बता रखा था कि ये गेहूँ की सिंचाई चल रही है, देखिए ये पाइप के माध्यम से ये इंजन चला रखे हैं और गेहूँ खेत में देखो वो पाइप ले जा रहे हैं, ये देखो आओ भाई साहब बढ़िया देख सकते हैं दोस्तों सिंचाई चल रही है, किसान लोग सिंचाई कर रहे हैं। साथियों ये है हम लोग घर के पूरे घर की खेती है, ये पूरा वहाँ था दोस्तों लास्ट ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है पेड़, अभी दिखाता हूँ पूरा खेत में गेहूं और सरसों पूरा इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सुबह सुबह कितना अच्छा दृश्य है दोस्तों, खूबसूरत दृश्य है सुबह सुबह का। देख सकते हैं मेड़ी है जो बंदी जिसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग के जैसे नाले का पानी जब सूख जाता है जब लाइट खराब हो जाती है तो किसी कारणवश, तो हम लोग जो सिंचाई करते हैं ये हम लोग के है बोर है, इसमें बोर है, ये मिट्टी हटा के हम लोग इसमें नीचे पाइप डली हुई जाती हो, जैसे मिट्टी हटाते हैं मतलब पाइप डाल रखे हैं हमारे जो पूर्वज लोग थे उसमें बोर करा रखे हैं, तो हम लोग इसके माध्यम से सिंचाई करते हैं अपने खेतों को। दिखाइए भाई ये हम लोग खेत है, हमारे पूरे परिवार का खेत है, बहुत लंबा चौड़ा इलाका है दोस्तों, अगर कैमरे से दिखाएंगे ये भी पूरा एरिया है, पूरा ही अपना खेत है। आपको दिखाता हूँ अपने खेत गेहूँ के और सरसों के खेत दोस्तों, ये जो मिट्टी है ये काली मिट्टी है, यहाँ पर गेहूँ और सरसों की अच्छी पैदावार होती है इसमें, ये काली मिट्टी में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद ये देखो मेड़ी कैसे होती है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कितना इसमें ट्रैक्टर चला जाता है ऊपर से। ये देखो सरसों है हमारी खेती लगा रखे हैं सरसों गेहूँ, देख सकते हैं दोस्तों खेत कैसा हम लोगों का है, आप देख सकते हैं पूरा इस समय सिंचाई हो रही है, ये देख सकते हैं दोस्तों ये सारा गेहूँ का खेत है, ये हम लोगों का है सब खेत। ये जो नदी नाले की बात कर रहा है जहाँ से हम लोग सिंचाई कर रहे हैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो बने रहें अंत। ये है वो नाला जहाँ से सिंचाई कर रहे हैं हम लोग, जहाँ वो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं इसमें, लेकिन फिलहाल अभी ठंड की वजह से कोई मछलियाँ पकड़ नहीं रहा दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों पानी भरा हुआ है, ऊपर से काई है लेकिन लग रहा है पानी नहीं है, लेकिन नीचे दोस्तों काफ़ी गहरा नाला है, ये इसमें हमारे जैसे लोग डूब जाएंगे पता नहीं चलेगा इसमें, देखिए देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी मछलियाँ इसके अंदर होती हैं दोस्तों। ये देखिए ये किसान कैसे सिंचाई करता है, देखो ये हम लोग के खेत की सिंचाई चल रही है अभी, रात में मशीन यहाँ चल रही थी रात से, ये देख सकते हैं दोस्तों घर के बच्चे देखो यहीं रात भर लेटे भी थे ताकि इंजन चले और वो सिंचाई कर सके, देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यहीं पर रात
घर वालों ने बताया आज घर के बच्चों ने क्योंकि रात भर ये इंजन चला हुआ है साथियों ताकि गेहूँ की सिंचाई हो सके। दोस्तों अभी तोड़ेंगे दातुन क्योंकि दोस्तों अभी आपको दिखाता हूँ देसी दातुन कैसे करते हैं हम लोग क्योंकि दांत मजबूत रहते हैं। पानी भरा हुआ है अगर गिरेंगे दोस्तों तो नीचे जाएंगे पेड़ बहुत पतला है मजा आता है करेंगे दातुन करने से देखते दोस्तों बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं दांत। ठीक है दोस्तों तो पुराने लोग थे इसी की दातुन करते थे और 100-100 साल तक उनके दांत गिरते नहीं थे लेकिन आजकल हम लोगों ने ब्रश कर करके देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत दृश्य दोस्तों सुबह 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 का बहुत ज़्यादा खूबसूरत दृश्य है। साथियों ये है सरसों का खेती देख सकते हैं हम लोगों की कितना ही अच्छी है। देखो सरसों देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से अभी इसकी सिंचाई चल रही है। यहाँ पे देखो ये इंजन लगा हुआ है ट्रॉली के से लाया गया है। दोस्तों देख सकते हैं कि गांव की कितनी कठिन लाइफ है लेकिन लोग हमको भी गांव में बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं इतना हरा भरा यहाँ पानी है खेत में देख सकते हैं कहीं सरसों है कहीं कुछ है साथियों देख सकते हैं क्या दृश्य है। देखो यहाँ कपड़ा धोया जा रहा है भाई साहब कपड़ा धो रहे हैं ये देखिए दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों जो पानी जा रहा था जैसे बताया कि जो पानी है जो खेत में समय जा रहा है इस ट्यूबवेल के माध्यम से पानी नाले में गिराया जा रहा है और वहाँ पर सिंचाई की जा रही है। साथियों ये देखो पुआल है जो कि हमारे लोग भैंस को चारा खिलाने के लिए यहाँ रखा जाता है इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि समय समय पर जानवरों को चारा मिल सके। साथियों ये पुआल जो कि धान से निकला हुआ होता है जैसे आप लोगों को पता भी होगा साथियों कुछ लोगों को जिनको नहीं पता है ये पुआल है इससे भैंस को गाय को चारा देते हैं। साथियों देखिए सरसों की खेती जो ये कि लगभग पक रखी है सरसों जैसे दिखा रहा हूँ दोस्तों क्लोज करके देखिए ये सरसों के लगभग पकने वाली है अभी मुश्किल से 10 या 15 दिनों में ये लगभग कट जाएगी क्योंकि अभी हो रखी होने लगी है धूप 10 से 15 दिनों में कट जाएगी ये सरसों। जैसे तो सरसों कितने अच्छे दृश्य है साथियों सरसों के फूल के तब तक आप लोग हमारी वीडियो का आनंद लें तब मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।